हेलो बच्चों, मैं सुनीता बैरवा। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ यानी कि कक्षा पाँच का पार्ट तीन, जिसका नाम है अपनी वस्तु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों पार्ट पढ़ना। इस पार्ट में क्या होता है बच्चों, दो भाई होते हैं जो एक भूमि के लिए यानी कि जो ज़मीन होती है उसके लिए लड़ रहे होते हैं। उनके पिता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर बाद में वो एक दूसरे के लिए लड़ रहे होते हैं कि मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ, और दूसरा बोलता है कि मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ। बच्चों वो इस ज़मीन पे का स्वामित्व लेने के लिए वो एक दूसरे को मारने के लिए भी उतारू हो जाते हैं। और फिर एक संत महाराज यानी कि एक साधु निकल रहा होता है, वो उनके झगड़े को ख़त्म करवाता है और उस ज़मीन का असली स्वामित्व बताता है कि कौन इसका असली मालिक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा पाठ पढ़ना। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे, मतलब एक महात्मा जी जो साधु व्यक्ति होता है वो कहीं जा रहा था। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते हुए सुना। मतलब एक महात्मा जी, एक साधु व्यक्ति कहीं जा रहा था, तो मार्ग में यानी कि रास्ते में उन्होंने एक स्थान पर मतलब एक जगह पर दो व्यक्तियों को यानी कि दो आदमियों को ऊंची आवाज़ में मतलब तेज़ आवाज़ में बोलते हुए सुना। दोनों ही हाथों में यानी कि बच्चों दोनों ही भाई हाथों में डंडे लिए हुए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते हैं। मतलब बच्चों वो दोनों एक दूसरे को जान से मारने के लिए भी उतारू दिखाई दे रहे थे उस साधु को। मतलब दोनों वो साधु जी जा रहे होते हैं रास्ते में से, उन्होंने रास्ते में एक जगह पर देखा कि दो व्यक्ति बहुत ऊँची ऊँची यानी तेज आवाज़ों में बोल रहे थे। दोनों ही हाथों में डंडे लिए हुए एक दूसरे के प्राण लेने के लिए उद्यत थे, और दोनों ही एक दूसरे को जान से मारने के लिए उतारू थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है, और एक बोलता है एक व्यक्ति की वो जो ज़मीन है वो मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ यानी कि मैं इसका मालिक हूँ। जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था, और जबकि दूसरा व्यक्ति ये बोल रहा था कि यह भूमि मेरी है। मतलब बच्चों वो दोनों ही व्यक्ति लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। पहला बोल रहा था कि ये भूमि मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ, और दूसरा बोल रहा था कि मैं इसका मालिक हूँ या इसका स्वामी हूँ। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए मतलब उस भूमि पर अपना अपना हक बताने के लिए दोनों ही झगड़ रहे थे, और दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे यानी कि उनको इतना गुस्सा आ रहा था कि वे दोनों ही एक दूसरे से लाल पीले मतलब गुस्सा इतना भयंकर था उनको कि वो अपने एक दूसरे के प्राण लेने के लिए भी उतारू हो रहे थे। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे, मतलब वो अपना अपना पक्ष सामने रख रहे थे कि ये ज़मीन मेरी है, और तो दूसरा बोलता है कि इसका मालिक सिर्फ मैं हूँ। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं। मतलब जो संत व्यक्ति, जो साधु व्यक्ति होते हैं वो स्वभाव से यानी उनका आचरण ही ऐसा होता है जैसे कि वो दयालु और परोपकारी होते हैं। सदैव सबका भला ही चाहते हैं, और साधु महात्मा जो लोग होते हैं वो हमेशा सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करने के व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। और उन्होंने जो साधु महात्मा जी थे, उन्होंने जब उन दोनों भाइयों को या दोनों व्यक्तियों को झगड़ा करते हुए देखा, तो उन्होंने मन ही मन ये सोचा कि ये दोनों व्यर्थ ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और व्यर्थ ही मतलब व्यर्थ ही, कोई इसका अर्थ नहीं है। वह अपने प्राण गंवाने के लिए यानी अपने जान देने के लिए व्यर्थ में ही उतारू हो रहे हैं, या अपने प्राण देने के लिए ऐसे ही तुले हुए हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। और साधु महात्मा ने उनके लड़ाई झगड़े देखने के बाद ऐसा सोचा कि ये दोनों फालतू में ही व्यर्थ में ही एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो रहे हैं, क्यों ना इनका झगड़ा ख़त्म किया जाए और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास किया जाए कि इनको हम दोनों समझाइश करें तो शायद ये समझ जाए। साधु महाराज ने सोचा कि अगर मैं समझाऊँगा शायद तो ये लोग दोनों आपस में समझौता कर ले, एक दूसरे से झगड़ा करना बंद कर दे। यह सोचकर वे उनके निकट गए यानी कि यह सोचकर साधु महाराज उन दोनों भाइयों के या व्यक्तियों के पास गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले यानी कि इज्जत उनसे इज्जत से बोलते हुए बोले, हे भद्र पुरुष यानी हे सज्जन पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो। मतलब जो साधु महात्मा होते हैं वो उन दोनों व्यक्तियों से पूछते हैं कि हे सज्जन पुरुषों, तुम दोनों कौन हो और क्यों झगड़ रहे हो। मतलब आप दोनों हो कौन और आपस में इतना क्यों झगड़ रहे हो। महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, मतलब जैसे ही एक उन्होंने व्यक्ति उन महात्मा जी को देखा तो उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन हम दोनों भाई हैं, कि हम दोनों भाई हैं।
हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था, मतलब उनमें से एक व्यक्ति बोलता है साधु को देखकर कि महात्मन, हमारे पिताजी ने मरते मरते जब जमीन का बंटवारा या संपत्ति का बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, और जो बंटवारे के अनुसार जो पापा जी ने किया था मरते समय उसके अनुसार उसका मालिक मैं हूँ, मतलब ये जो भूमि है वो मेरे हिस्से की है, ये मेरे हिस्से में आई थी। फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है, और फिर भी ये फालतू में ही या व्यर्थ में ही मुझसे झगड़ा कर रहा है, ये जमीन बंटवारे में मेरे हिस्से आई थी। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, और दूसरा व्यक्ति जल्दी से ही चिल्ला बोला, मतलब चिल्ला कर वो बोलने लगा, महाराज यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। वो अपने भाई को बोलता है कि महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, यह भूमि इसके भाग की नहीं है, मतलब ये भूमि इसके हिस्से की नहीं है, यह बल्कि मेरे भाग में आती है, मतलब ये मेरे हिस्से में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ, इसलिए इसका असली मालिक, इसका असली स्वामित्व मेरे हिस्से में आता है और इसका स्वामी मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बताकर और मुझे डरा धमका कर इसे हड़पना चाहता है। मतलब बच्चों, वो दोनों भाई अपना अपना पक्ष साधु जी के सामने रख रहे हैं। पहला बोलता है कि ये जब मरते मरते पिताजी ने मेरे हिस्से में दी थी और इस पर मेरा हक है, और दूसरा चिल्लाकर बोलता है कि ये जबरदस्ती इस पर अपना हक जमा रहा है, ये भूमि मेरे हिस्से में आ रही है, और ये डरा धमका कर इसे हड़पना चाहता है, मतलब डरा धमका कर उस पर कब्जा करना चाहता है। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। बच्चों, उन दोनों भाइयों को झगड़ते हुए साधु जी ने दोनों का पक्ष सुन लिया और फिर कहा कि हम या ना इस भूमि से, मतलब जो ज़मीन है इसी से पूछ लेंगे कि ये ज़मीन किसकी है, और तभी हम निर्णय करेंगे, जब ये बोल देगी ज़मीन की मैं इसकी हूँ, उसी की ये ज़मीन होगी। यह कहकर उन्होंने अपना कान मुँह के साथ लगाया, और यही बोलकर उन्होंने ये उनका कान है जो भूमि के पास लगाया, मानो को सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, कुछ देर तक तो उन्होंने अपने जो कान है भूमि के पास लगाए रहे, और फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि कुछ और ही कह रही है, कि यह भूमि तो कुछ और ही बोल रही है। तो हमने देखा कि बच्चों, वो दोनों भाई होते हैं वो आपस में झगड़ रहे होते हैं, और जो साधु महात्मा जी होते हैं वो उनका गुस्सा शांत करने के लिए और उनका झगड़ा ख़त्म करने के लिए उनको समझाते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे की जान लेने के लिए उतारू क्यों हो रहे हो, हम इस ज़मीन से ही पूछ लेंगे, यानी कि इस भूमि से ही पूछेंगे पहले कि ये तुम किसकी हो, और इसकी जब ज़मीन की बात सुनकर हम उसका निर्णय करेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। महात्मा जी ने शांत स्वभाव से फरमाया, मतलब बिल्कुल शांति से अच्छे स्वभाव में उन्होंने कहा, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो, मतलब तुम दोनों इस भूमि को अपना अपना बता रहे हो और अपनी अपनी बातें रख रहे हो, ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा कि ये भूमि किसकी है। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो उससे ही यह बात पूछ लो। मतलब महात्मा जी ने कहा कि तुम दोनों अगर झगड़ते रहोगे तो यह कभी पता नहीं चलेगा कि ये भूमि किसकी है, और तुम दोनों में से एक ना एक मर जाएगा झगड़ा करने में, और तुम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा उतारू हो रहे हो तो इसका कभी ना कभी तुम्हें दोनों को हानि हो जाएगी, उससे ही यह बात पूछ लो। इससे अच्छा तो यह होगा कि तुम खुद जो भूमि है, जो धरती के लिए तुम लड़ रहे हो, तुम उससे ही पूछ लो कि तुम किसकी हो, कि इसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है, और वो भूमि खुद बता देगी कि तुम दोनों में से उसका मालिक कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी, और वह स्वयं मतलब वह खुद ही इस बात का निर्णय कर लेगी कि मैं इसकी हूँ। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, और कुछ देर तक वो जो दोनों भाई थे वो साधु महात्मा जी की शक्ल की और उनके मुँह की तरफ देखते रहे। फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है, भूमि भी कभी बोलती है? और जैसे ही साधु महात्मा जी ने कहा कि तुम भूमि से ही पूछ लो, तो कुछ देर तक तो वह उन साधु जी का मुंह देखते रहे, और फिर उन्होंने बोला कि कभी भूमि भी कैसे बोल सकती है, ये कैसे संभव है कि भूमि बोल के बता देगी कि ये भूमि किसकी है, मैं तुम्हारी हूँ या उसकी हूँ। महात्मा जी ने उत्तर दिया, महात्मा जी ने कहा, हाँ वह अवश्य बोलती है, और महात्मा जी ने बताया कि भूमि अवश्य बोलती है, और वह बोल के बताएगी ज़रूर कि मैं इन दोनों में से किसकी हूँ, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते। भूमि तो बोल के ये बता देगी, लेकिन तुम लोग उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते, या तुम लोग नहीं सुन पाओगे।
हम सुन सकते हैं और मैं साधु हूँ, मैं ये सुन सकता हूँ। वो बताएगी कि भूमि किसकी है और मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये भूमि तुम्हारी है या तुम्हारी है। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या वह तुम लोगों को मान्य होगा। और वह साधु महात्मा बोलते हैं, मैं ये तो बता दूंगा क्योंकि मैं उसकी आवाज़ सुन सकता हूँ भूमि की, तुम लोग उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते। लेकिन तुम बताओ कि क्या भूमि जो निर्णय लेगी वो क्या तुम दोनों को मंजूर होगा, तुम उस निर्णय को मान लोगे। तो वो दोनों भाई बोलते हैं कि हाँ, हम भूमि बोल देगी कि हम इसकी है तो हम उसका निर्णय मान लेंगे। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए, यानी कि दोनों ही वो ये बात मानने के लिए मान गए कि भूमि बोलेगी और हमें पता चल जाएगा कि हम इसके मालिक कौन है, या इसका भाई इसका मालिक है या दूसरा भाई इसका मालिक है। मतलब वो दोनों एक दूसरे की बात, भूमि की बात सुनने के लिए राजी हो गए। जब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, और तभी महात्मा जी ने कहा कि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। उन दोनों ने बोला कि हाँ, भूमि बोलेगी तो हम मान लेंगे, हम झगड़ा नहीं करेंगे, जिसकी वो बोलेगी कि मैं उसकी हूँ, हाँ वो भूमि को वही ले लेगा। तभी महात्मा जी बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे पहले खाना खिलाओ। कि भूमि की बात अपन बाद में सुन लेंगे, पहले मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, तुम दोनों मुझे खाना खिलाओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। और वे दोनों भाई बोले कि पहले भूमि से सुन लो उसकी बात की वो किसकी है, उसके बाद अपन रुककर आराम से बैठ के खाना खाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, कि भूमि का निर्णय तो हो जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रही, कि भूमि का निर्णय तो हो जाएगा और वह कहीं भाग कर नहीं जा रही है, पहले भोजन हो जाए। वो बोलता है कि जमीन कहीं भाग के नहीं जा रही है, पहले अपन सब खाना खा लेंगे फिर उसकी बात सुनेंगे, ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आ जाए, कि हमारा मन है जो और जो मस्तिष्क है, यानी कि हमको जो भूख लगी है वो ठीक हो जाए, हम आराम कर ले, उसके बाद में भूमि की बात सुन लेंगे। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, जाओ तुम दोनों अपने अपने घर जाओ और भोजन यानी कि खाना ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे और तब तक मैं यहीं बैठा रहूँगा, तुम लोग जाओ और हमारे लिए खाना लेके आओ। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए, और ये बात बोलकर महात्मा जी खेत में ही एक पेड़ के नीचे बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर लाए, और दोनों भाई अपने घर पे चले गए और अपने घर से भोजन बनवा कर लाए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा, और महात्मा जी ने कहा कि तुम दोनों भी मेरे पास बैठ जाओ। तत्पश्चात उसके बाद उन्होंने भोजन के तीन भाग किए, और उन्हें जो खाना वो लोग लेकर आए थे उसके तीन हिस्से कर दिए, मतलब उसे तीन भागों में बांट दिया, और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। और उन्होंने आदेश दिया, मतलब जो साधु महात्मा जी जो थे, उन्होंने आदेश दिया कि तुम लोग भी भोजन करो, और उन्होंने खुद भोजन करना मतलब चालू कर दिया, वो भोजन करने लग गए। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए, और इन सब बातचीतों के बीच में और वो खाना बनवा कर लाए, इन सारी प्रक्रिया में कितने घंटे लगे, 2 घंटे लगे, मतलब काफ़ी समय लग गया। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, और महात्मा जी का इन सब खाना बनवाने का, उनको ऐसा बोलना कि धरती बोलकर बता देगी कि ज़मीन किसकी है, उन सब का उद्देश्य क्या था कि उन दोनों का गुस्सा जो है वो थोड़ा शांत हो जाए, क्योंकि उस समय वो दोनों बहुत गुस्से में थे। और महात्मा जी ने उनका गुस्सा शांत करने के लिए क्या किया, उन दोनों को बोला कि अपन धरती अपन को बता देगी कि किसकी है, और मैं तुम्हें बता दूंगा क्योंकि तुम इसकी आवाज़ नहीं सुन पाओगे, लेकिन मैं साधु हूँ तो मैं इसकी आवाज़ सुन सकता हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये ज़मीन किसकी है, तुम दोनों भाइयों में से कौन इसका मालिक है। तो वो उन दोनों को खाना बनवाने भेजता है, और वो आते हैं, फिर तीनों वो खाना खाते हैं। इस सारी प्रक्रिया में 2 घंटे लग जाते हैं, उनका क्रोध यानी कि जो गुस्सा होता है वो बहुत कम हो चुका होता है, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। साधु महात्मा जी ने उनका गुस्सा शांत किया ताकि उनको थोड़ा समझाया बुझाया जा सके कि भई इस ज़मीन के लिए तुम झगड़ा मत करो, एक दूसरे की जान मत लो, क्योंकि एक दूसरे की जान लेने से तुम दोनों को हानि ही होगी। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए, यानी कि उन्होंने अपना जब भोजन ख़त्म कर लिया, तो काफ़ी शांत थे, मतलब तो वो काफ़ी शांत हो चुके थे, क्योंकि उनका गुस्सा शांत हो चुका था, काफ़ी टाइम लग गया उस प्रक्रिया में खाना खाने में, बनवाने में, घर जाकर आने में, तो उनका गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, और उन दोनों ने महात्मा जी के चरण छुए और उनको स्पर्श किया, और उनकी मतलब उनके आगे हाथ जोड़े। महाराज, यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, कि महाराज ये भूमि तो कभी कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि भूमि बोलती ही नहीं है।
इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर लीजिए, इसलिए आप ही हमें बता दो कि हम दोनों में से ये ज़मीन किसकी है, ताकि हमारा ये झगड़ा ख़त्म हो जाए और हम इस ज़मीन के लिए झगड़ना बंद कर दें। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर निर्णय करते हैं, मतलब हम इसका पूछते हैं अब हम निर्णय कर लेंगे। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, उनका कान भूमि के यानी कि ज़मीन के पास लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। और वो ऐसा लग रहा था उनको देखकर, जैसे वो भूमि के पास कान लगा रहे थे, कि वो कुछ सुनने का प्रयास या प्रयत्न कर रहे थे। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे और कुछ देर तक तो वो भूमि के पास कान लगाकर लेटे रहे या सुनते रहे, फिर उठकर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, और बिल्कुल सीरियसली गंभीर वाणी में बोले, साधारण सामान्य रूप से, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। उन्होंने बताया कि यह भूमि तो कुछ और ही बोल रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? और वो दोनों भाई बोले कि महाराज, ये जो भूमि है, ये ज़मीन है, वो क्या बोल रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कह रही है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। और वो भूमि बोलती है कि ये दोनों व्यर्थ यानी फालतू में ही मेरे ऊपर स्वामित्व जमाने के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ और मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। मतलब वह साधु महात्मा बोलते हैं कि ज़मीन कुछ और ही बोल रही है और ये कह रही है कि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ, ये दोनों तो मेरे पर व्यर्थ में ही यानी फालतू में ही अपना हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों अवश्य मेरे हैं, मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और मैंने इनके पूर्वजों को कईयों को पाला है। मैंने उनको अपनी फसल दी है, जिससे उनका गुजारा हुआ है। मतलब मैंने उन सबको पाला है, मैं इन दोनों की भी नहीं हूँ, ये मेरे हैं बस। ज़मीन कहती है कि मैंने इनकी पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है, मतलब इनके पूर्वजों ने सबने मेरा लाभ उठाया है और वो धीरे धीरे चले गए, मतलब वो उनकी मृत्यु हो गई है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए। मतलब महात्मा जी की जब उन्होंने ये बात सुनी तो दोनों बड़े शर्मिंदा हुए, उनको बहुत शर्म आई और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े और उनके पैरों में वो गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की, मतलब उन्होंने देखा कि वो बहुत भावुक हो चुके हैं और उन्होंने अपनी बात कही कि, और उन्हें समझाते हुए कहा कि तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो। उन्होंने कहा महात्मा जी ने, वो जब दोनों भाई भावुक हो गए तब कहा उन्होंने कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है? कि क्या वो आज तक किसी की हुई है? इसका अर्थ है कि तुम्हारे पूर्वज थे, उन्होंने भी उस पर खेती की, उसका लाभ उठाया, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो गई है, तो ये ज़मीन तुम्हारी भी नहीं है, इसका तुम सिर्फ लाभ उठा सकते हो। जो तुम दोनों की बन जाएगी कि वो किसी की नहीं हुई है धरती, तो तुम्हारी कैसे बन जाएगी? मनुष्य मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता रहता है, मतलब वो मेरी के लिए हमेशा झगड़ा करता रहता है, यह नहीं सोचता कि इसमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। और मनुष्य मतलब हम लोग या मनुष्य जाति के लोग ये नहीं सोचते कि इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, एक दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, मतलब जो बहुत बड़े बड़े राजा थे उन्होंने भी बहुत बड़े अपने अपने साम्राज्य बनाए और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। परंतु साथ क्या ले गए, और वो राजा चले गए, मन की मृत्यु हो गई और वो साथ में अपना साम्राज्य यहीं छोड़कर चले गए, कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। मतलब बहुत बड़े राजा इस दुनिया में पैदा हुए, साम्राज्य बना उनका, और वो जब उनकी मृत्यु हो गई तो सब कुछ वो यहीं छोड़ के चले गए, कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं गए। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? और उन्होंने कहा कि तुम जमीन के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ कर एक दूसरे को मारने पर तुल रहे हो, और ये तुम्हारी भी नहीं होगी, एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी और तुम इसे यहीं पे छोड़कर चले जाओगे। यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, मतलब संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, धन संपत्ति, धन या संपत्ति, मकान आदि, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, यानी हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, वही हम अपने साथ जाएंगे। जो लोक परलोक के संगी साथी हैं, शेष सब कुछ तो यही रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक सेवर जाए, यानी कि
बच्चों हमें भी गलत काम नहीं करने चाहिए, आपस में भी किसी चीज़ के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमेशा सबको मिल बांट के खाना चाहिए। तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और दोनों ही ने उनको अपनी अपने किए हुए कार्यों पर शर्मिंदगी महसूस हुई, बहुत उनको बुरा लगा, तो उन्होंने अपनी गलती के लिए उनके चरणों में यानी साधु जी के पैरों में गिरकर क्षमा यानी कि माफ़ी मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे और उसके बाद में उन्होंने अपना ये झगड़ा करना बंद कर दिया, अपने आप में प्यार से रहने लगे और भजन भक्ति करने में अपना टाइम उन्होंने व्यतीत किया। तो चलिए बच्चों, आज हमने ये पाठ पढ़ा, अब इसके शब्दार्थ करते हैं।